हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी शामली में और आज के व्लॉग में मैं ट्रेवल करने वाला हूँ यहाँ से पानीपत तक वाया पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD। तो दोस्तों, नेशनल हाईवे 709 AD पानीपत के पास नेशनल हाईवे 44 के जंक्शन से स्टार्ट होकर शामली, मुजफ्फरनगर, जानसठ, मीरापुर, बिजनौर होते हुए नगीना तक जाएगा और वहां पर जाकर ये हाईवे नेशनल हाईवे 734 पर मर्ज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 170 किलोमीटर लंबा पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD पानीपत से शुरू होकर बिजनौर के नगीना तक ही बनाया जाना है। उसके बाद अगर आपको खटीमा जाना है तो उसके लिए आपको नेशनल हाईवे 734 लेना होगा। नेशनल हाईवे 709 AD इसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर है, पानीपत से बिजनौर के नगीना तक ही बनाया जाना है। तो 170 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के हर खंड पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका है और इस पूरे पार्ट में लगभग 42 फ्लाईओवर और 45 अंडरपासेस का निर्माण किया जाना है। इसी के साथ ही आबादी क्षेत्र में लगभग 9 बाईपास इस हाईवे में बनाए जाने हैं, जिसमें नेशनल हाईवे 44 जंक्शन से शुरू होकर छजपुर तक बनने वाला पानीपत बाईपास भी शामिल है। तो इस हाईवे के शामली और मुजफ्फरनगर में बड़े जंक्शन भी बनने हैं। शामली में जहां ये हाईवे दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B और मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A को लिंक करेगा, इसी के साथ ही मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 334 और स्टेट हाईवे 59 को ये लिंक करेगा। और शामली डिस्ट्रिक्ट एरिया के पास ठीक इसी जगह से शुरू हो रहा है शामली बाईपास, जो कि पूरे शामली को बाईपास करता हुआ दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B और शामली से मेरठ जाने वाले मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A को ओवर पास करता हुआ शामली मुजफ्फरनगर रोड पर बड़त के पास जाकर ख़त्म होगा। काफ़ी बड़ा ये बाईपास है और उस पर काम चल भी रहा है। आने वाले किसी ब्लॉग में आपको शामली बाईपास की भी पूरी वीडियो दिखाऊँगा, बट अभी फ़िलहाल वहाँ पर जाने लायक स्थिति नहीं है, इसी वजह से वो शामली बाईपास में कवर नहीं किया। उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड रोड की सफाई कर दी गई है और हाईवे का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। अभी बिजली के खंभे बीच में लगे हुए हैं, इसी वजह से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही बिजली के खंभे हटेंगे यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और यह गांव मन्ना माजरा। दोस्तों, इस रूट पे पहली बार आया हूँ तो हो सकता है कि गांव के नाम लेने में थोड़ी सी मिस्टेक कर जाऊँ, और अगर आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और आपको नॉलेज है यहाँ के गांवों के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर मैंने किसी गांव का नाम गलत लिया हो। तो मन्ना माजरा से आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईवे निर्माण की स्थिति। डिवाइडर हालांकि एक साइड बना दिया गया है बट एक साइड भी रोड कंप्लीट नहीं हो पाई है, क्योंकि बिजली का काम अभी चल रहा है, खंभे हटाए जाएंगे। और थोड़े से आगे चलते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी का भराव, क्योंकि ठीक इसी जगह से शुरू हो रहा है कैराना बाईपास। मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं पिलर्स खड़े हुए हैं और उस पर गटर्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। हालांकि इस हाईवे पर कैराना बाईपास का पहले ही निर्माण हो चुका था, बट पहले जो उस बाईपास की स्थिति थी शायद ही कोई आम वाहन चालक उसको यूज़ करता हो। टू लाइन का ये बाईपास था और काफ़ी जर्जर स्थिति में था, लेकिन अब क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और कैराना बाईपास बनाया जा रहा है तो अब इसकी स्थिति सुधरेगी। इस टाइम मैं सर्विस रोड पर हूँ
कैना बाईपास पर, और मेरे राइट साइड में कैना बाईपास शुरू होते हुए जो फ्लाईओवर आएगा वो ठीक इस जगह पर ख़त्म होगा और ये सर्विस रोड भी यहाँ पर मर्ज हो जाएगी। जितने भी फ्लाईओवर से अंडरपासेस इस हाईवे पर बनाए जाने हैं वो सभी 6 लेन के होंगे, हालांकि हाईवे 4 लेन का ही बनाया जा रहा है। यहाँ पे आगे एक और डाइवर्जन, बट कैराना बाईपास की स्थिति की बात कीजिए तो काफ़ी काम यहाँ पर हो चुका है। एक और डाइवर्जन और यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। मिट्टी भराव आप देख सकते हैं, काफी काम यहाँ पर हो चुका है। आगे चलते हैं थोड़ा और ये फ्लाईओवर है, यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो आप शामली करनाल हाईवे पर जमालपुर के पास निकल जाएंगे और लेफ्ट साइड में कैराना शहर की ओर अंदर की साइड। काफ़ी घनी आबादी क्षेत्र है कैराना, शहर भी कह सकते हैं, शायद नगर पंचायत क्षेत्र है, बट जब तक कंस्ट्रक्शन चल रही है तब तक तो यहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब, गाड़ी चलानी भी काफ़ी हैवी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए। आप दोनों साइड मिट्टी का भराव देख सकते हैं, कितना भराव होना भी यहाँ पर बाकी है। क्योंकि नेशनल हाईवे है तो ये पूरे लेवल के साथ ही बनेगा, कहीं पर ऊपर नीचे नहीं होगा कि पानी की लोकिंग हो, तो जहाँ पर भराव की ज़रूरत है वहाँ पर पूरा भराव किया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए एक और फ्लाईओवर यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन और उसके बराबर में ही सर्विस रोड पर हम ट्रैवल कर रहे हैं। और राइट साइड में आप देख भी सकते हैं काफ़ी काम इस फ्लाईओवर का भी हो चुका है, जो मिट्टी की भराव का कार्य है वो भी लगभग हो चुका है। पर आकर देखते हैं स्थिति, जो अंडरपास या पिलर्स यहाँ पे होंगे, जी हाँ पिलर, हालांकि पिलर्स पर अभी गार्डर नहीं रखे गए हैं, बट दोनों साइड की कनेक्टिंग रोड का काम काफ़ी तेज गति से चलता हुआ। और ऐसा नहीं है कि पूरे बाईपास पर सिर्फ फ्लाईओवर्स ही बन रहे हैं, जहाँ पर जगह थी फ्लाईओवर्स नहीं थे वहाँ पर रोड बना दी गई है। एक और डाइवर्जन, राइट साइड में मेरे डोजर्स और डंपर्स खड़े हुए हैं। शाम का समय है, आज पूरे दिन काफ़ी बारिश हुई तो इस वजह से शायद काम जल्दी यहाँ पर रोक दिया गया, या हो सकता है आज काम स्टार्ट ही ना हुआ हो, क्योंकि आप सड़क पर पानी देख के भी समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। और शामली से पानीपत जाते हुए सबसे बड़ा बाईपास जो है वो कैराना बाईपास ही बनाया जा रहा है, यहाँ पर कई फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बन रहे हैं। और कैराना बाईपास का ये आखिरी फ्लाईओवर है, क्योंकि ठीक इस फ्लाईओवर के बाद कैराना बाईपास ख़त्म हो जाएगा। यहीं से ही जो इस अंडरपास बन रहा है यहीं से राइट टर्न लेके कैराना की ओर जा सकते हैं, और कैराना की ओर आता हुआ ट्रैफिक सीधा निकल जाएगा। आप लेफ्ट साइड में मेरी गाड़ी देख सकते हैं, ये कैराना शहर के अंदर से आ रही है और हम बाईपास से होते हुए आए हैं, तो इस वजह से शायद रॉन्ग साइड से हम आते हुए, लेकिन अभी फिलहाल यही सर्विस रोड ऑपरेशनल है तो अभी ये रॉन्ग भी राइट है। तो यहाँ से आगे थोड़ा सा हाईवे बन भी चुका है और यहाँ पर एक और अंडरपास, और ये कह सकते हैं यूपी का आखिरी गांव, यूपी हरियाणा से पहले बॉर्डर से पहले ये आखिरी गांव मावी नाम है, बट कई जगह पढ़ा मैंने मावी नॉन एथमाल भी लिखा हुआ था, मावी तिमाली भी लिखा हुआ था, बट समझ नहीं पाया गांव मावी है या कुछ और इसका नाम है। तो अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो ज़रूर बताएं कि गांव का नाम मावी है या मावी एहतमाल, बट देखने में तो काफ़ी घनी आबादी क्षेत्र ये भी लग रहा है, रोड पर ही घर बने हुए हैं, तो इधर कोई काम होता हुआ भी दिखाई नहीं दिया, तो शायद बाईपास इस गाँव से भी निकाला जाए, या हो सकता है अभी लैंड की थोड़ी प्रॉब्लम हो तो इस वजह से मकान नहीं टूटे हैं सीधे बनाए जाए, क्योंकि इसके आगे यमुना पड़ जाती है जो कि हरियाणा बॉर्डर है यूपी से। जी हाँ ये सीमा समाप्त हो रही है यहाँ पर यूपी की, यूपी का यूपी पुलिस का चेक पोस्ट, और यूपी और हरियाणा की सीमा को निर्धारित करती हुई यमुना जी, यमुना रिवर। आज बारिश के बाद काफी तेज फ्लो के साथ पानी बह रहा है। यूपी को हरियाणा से जोड़ने वाला
यमुना नदी पर बना हुआ ये ब्रिज काफ़ी पुराना है, अब देखने में भी लग रहा है काफ़ी जर्जर हो चुका है। तो क्या इस ब्रिज की ही रिपेयरिंग की जाएगी और साइड में टूरियन का ब्रिज और बनाया जाएगा, क्योंकि ब्रिज तो साइड में बन रहा है, उसके लिए पिलर्स का काम चल रहा है यमुना नदी में ही। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या ये ब्रिज भी रहेगा या नया ब्रिज ही ऑपरेशनल किया जाएगा, क्योंकि मैं अपने सामने देख रहा हूँ यहाँ पर राइट साइड में लॉन्चर का सेटअप किया जा रहा है, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है और ये डबल लॉन्चर है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है डबल लॉन्चर का, डबल लॉन्चर से जो सिंगल पिलर पर ब्रिज बनाए जाते हैं वो या 6 लेन होते हैं या 8 लेन होते हैं, बट अब यहाँ पर ब्रिज 4 लेन बनाया जा रहा है यमुना नदी के ऊपर या 6 लेन बनाया जा रहा है, ये आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि अभी इस बारे में कहीं पर भी कोई नॉलेज नहीं है कि यमुना नदी पर जो ब्रिज बनना है वो 6 लेन है या 4 लेन है। क्योंकि डबल लॉन्चर के साथ तो मैंने 8 लेन ब्रिज भी बनते हुए देखे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पर 8 लेन ही ब्रिज बनाया जा रहा है। तो वेल, यमुना को पार करने के बाद हम पहुंच गए हरियाणा में, और हरियाणा में भी इस हाईवे पर काम काफ़ी चल रहा है, सिंगल साइड रोड बन चुकी है और बारिश के बाद स्थिति यहाँ पर भी काफ़ी ख़राब है, बट राइट साइड में आप देख सकते हैं भराव काफ़ी हो चुका है, लेफ्ट साइड में अभी भराव होना बाकी है। और ये पुरानी रोड जो फिलहाल इस बारिश में चलने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं, और थोड़ा आगे चलने के बाद लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, जो बीच में अभी अधम लटका हुआ है, इसकी कनेक्टिंग रोड का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ से शुरू हो रहा है सनोली बाईपास, जो कि पूरे सनोली को बाईपास करता हुआ निकलेगा। अप्रोचिंग रोड भी काफ़ी हद तक तैयार है और उस पर पिलर्स पर गार्डर भी लगाए जा चुके हैं सनोली गांव, और बारिश के बाद काफ़ी दयनीय स्थिति है सनोली खुर्द गांव की। और सनोली को पार करते ही लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सनोली बाईपास आता हुआ, जो ठीक इस जगह पर आकर मेन हाईवे पर मर्ज हो जाएगा, यानी एंडिंग पॉइंट सनोली बाईपास का। तो आप देख सकते हैं काम चलता हुआ, मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ बाईपास बनाए जा रहे हैं वहाँ पे इस हाईवे पर साथ के साथ ही सर्विस रोड का निर्माण भी किया जा रहा है, जो कि काफ़ी चौड़ी सर्विस लेंस हैं, 4 लेन भी अगर दोनों साइड मिला के कही जाएँ सर्विस लेन तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 लेन ईच साइड सर्विस लोन है इतना मैंने नोटिस किया है। तो काफ़ी तेज गति से काम होता हुआ, काफ़ी अच्छे उस पर काम होता हुआ कि सर्विस रोड भी साथ के साथ ही बनाई जा रही है। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता हुआ राइट साइड में देख सकते हैं काले रंग की मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। अब कोई मटेरियल है तो इसके बारे में तो नहीं कह सकता, बट कई जगह मैंने देखा है जहाँ पर लाल रंग की मिट्टी है और यहाँ पर काले रंग की मिट्टी। और लेफ्ट साइड में आप देखिए एक और बाईपास का निर्माण यहाँ पर चल रहा है, और अगर इसे बाईपास कहें या मेन हाईवे कहें तब भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हम अभी छजपुर से जस्ट पहले, और यहाँ से जो ये बाईपास शुरू हो रहा है वो पूरे पानीपत को बाईपास करता हुआ नेशनल हाईवे 44 पर पानीपत के पास ही है, पानीपत का आउटर एरिया आप कह सकते हैं, वहाँ पर उसके पास जंक्शन बन रहा है एक इस हाईवे का, तो वहीं तक जाएगा। लेफ्ट साइड में ये पुराना बाईपास दिल्ली की साइड यहाँ से जाने के लिए, जो कि ठीक उसी जंक्शन के पास जाके निकलता है। हम फिलहाल अपना सफर जारी रखेंगे पानीपत तक। क्योंकि अगर मेन हाईवे की बात की जाए तो वो तो उस बाईपास के साथ ही नेशनल हाईवे 44 तक जा रहा है, बट ये जो सीधी रोड जाएगी, अगर आपको पानीपत शहर में जाना है तो आप इसी रोड से जा सकते हैं पानीपत शहर। और ये जो आप सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे 44 का दिल्ली करनाल हाईवे, राइट जाएंगे तो करनाल की ओर और लेफ्ट साइड जाएंगे तो दिल्ली की ओर। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।